सनसेट देख रहे हो तो सनसेट देखो, उसकी फोटो मत लेना जरूर। हे गाइस, आज हम आए हैं तेरी बातों में उलझा जिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर शाहिद कपूर और कीर्ति सैनन आने वाले हैं। तो चलिए उनको देखते हैं और उनसे सवाल जवाब करेंगे, और क्या वो जवाब देते हैं चलिए जानते हैं। उतने सीन्स नहीं मिले जितना मैं चाहती थी, बट स्टिल जस्ट टू बी इन द सेम फ्रेम, जस्ट टू बी ऑन द सेम सेट, यू जस्ट गेट टू लर्न सो मच। धर्म जी इज जस्ट टू लविंग, ही इज जस्ट सो वार्म। वो जिस तरह से आपको मिलते हैं, आपके सर पर हाथ रखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, किसी दिन बहुत ही कुछ अच्छी कॉस्ट्यूम लगेगी उन्हें अपनी, तो वो अपनी फोटो खिंचवा कर अपने बेटों को भेजते हैं, फिर उनकी बेटी उन्हें वॉइस नोट भेजते हैं, पापा यू लुकिंग सो गुड। So I just feel like he's a family man. He's so loving. He's got so much warmth, and he's got so much zest for life. Like, you know, when he's acting, he's really sharp and he's just superb. And like, और वो इतना हमें हंसाते हैं, उनकी improvisation इतनी bang on निकलती है. You know that sometimes we forget our lines and we're like, oh no, we can't make him do another take. So he is lovely. I've had such a pleasure working with him. Dimple ma'am, I think, is just the coolest. I think her personality, I remember for the first time I met her at the airport, and just what she was wearing, how she was carrying herself, unke chashme, kuch 5 colors thi us chashme mein, and just the aura that she brings, you know, everywhere, even on screen. She's just a very, very, I don't know how to explain it, like really sure as an actor, and just anything that she says is just so convincing, and like it's, you learn a lot when you're working with actors like these. So I've had a great time with both of them, and I really hope actually I get to do more films, you know, where I have a lot more, where I can also express a lot more than what I did. What's the second part of the question? Technology. कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है, फोन उठा के फेंकना पड़ेगा। मुझे लगता है वैसे ही टाइम आ गया है कि हमें पहले अपना फोन उठा के फेंकना पड़ेगा, फिर सामने वाले का उठा के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली फिल्मों में इसी रीजन से बनाई है, और ये है फिल्म के अंदर। हम यू नो अभी तो नहीं बात कर रहे, फिर उसके फिल्म का फ्लेवर एक सर्टेन फ्लेवर है, लेकिन हमारा रिश्ता टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है, एल्गोरिथम से जुड़ चुका है। हम अपने फ़ोन को अब अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त दिन में उसी के साथ बिताते हैं, और हमें फ़ोन वही देता है जो हम उसे मानते हैं। वन वे रिलेशनशिप है, ये गूगल सर्च करके बता दे, वो इंस्टाग्राम पे इस पेज पे दिखा दे, सर्च पेज में जो मैं पिछले 10 दिनों से ढूंढ रहा हूँ उसका एक अच्छा सा एक यू नो कोलाज दिखा दे, यू नो। तो फोन हमें वो दे रहा है जो हम चाहते हैं, और हम इससे खुश हो रहे हैं। इंसान हमेशा वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए वो बेटर होता है जो हम नहीं चाहते। वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यू नीड इन लाइफ इज नॉट ऑलवेज द सेम थिंग, सो वी आर टेकिंग मोर ऑफ वॉट वी वॉन्ट एंड गेटिंग एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी, और कहीं ना कहीं इस फिल्म में उस चीज को भी उस चीज के बारे में बात की गई। आई थिंक इवन एट माय होम बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सो हमारी शाम की चाय अगर सब घर पे हैं तो सब साथ में बैठते हैं, दैट्स लाइक बीन अ थिंग, एंड कभी कभी आजकल ऐसा होता है कि सब फोन पर है, सो यू नो देन सडनली वन पर्सन मेक्स अप एंड सेज गाइस फिर क्या अपने अपने रूम में जाएं, व्हाट इज दिस, तो फिर सब फोन रखते हैं, फिर थोड़ी देर में किसी को आ जाते हैं मैसेज, टू मिनट। So this is happening, I think, in every family. I think spending time with family, being in the moment, sunset dekh rahe ho to sunset dekho, uski photo mat lena shuru ho jao. So I think ye khud ko consciously batana padta hai that, you know, phone is not that important. What you're posting online is not your life. So sometimes you just have to consciously make an effort and be away from it. I'm saying this while I myself feel guilty of being very addicted to my phone. So yeah, it is something that I'm also trying very hard to be away from.